9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में चीन ने एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की। चीन की इस कोशिश को हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। इस बीच झड़प में दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई है, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प में चीन के सैनिक खतरनाक हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है कि एलएसी के नजदीक ये झड़प अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन के सैनिक एक साजिश के तहत वहां पहुंचे थे, क्योंकि भारत और चीन के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही एलएसी के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से चीनी सैनिक अपने साथ कीलों वाले डंडे, लोहे की गेंद और बिजली के झटके देने वाली टेजर गन लेकर पहुंचे थे। इन हथियारों से किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन गहरी चोट पहुंचाने के लिए ये काफी हैं। यानी चीन के सैनिक एक सोची समझी साजिश के तहत तवांग पहुंचे थे। उन्हें पता था कि भारतीय सेना उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी, और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसीलिए चीन के सैनिकों ने इस तरह के हथियारों से हमला करने का प्लान बनाया ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि गलवान में 2 साल पहले हुई झड़प में भी चीन के सैनिकों ने इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इधर एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आते ही भारत के तवांग सेक्टर की चर्चा होने लगी। 1962 की जंग के बाद से ही चीन भारत के तवांग पर कब्जे का सपना देख रहा है, और इसीलिए उसने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एलएसी के पास जिन इलाकों पर चीन की बुरी नजर है, तवांग उन्हीं में एक है, जिसकी बड़ी वजह है तवांग की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये चीन और भूटान की जंक्शन पर मौजूद है, और इसीलिए चीन भारत का तवांग सेक्टर हथियाने के चक्कर में रहता है, क्योंकि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग की सीमा पश्चिम में भूटान से और उत्तर में तिब्बत से लगती है, और अगर चीन की सेना वहां पहुंच गई तो वो तिब्बत और एलएसी दोनों की निगरानी कर सकती है। 1962 की जंग में उसने तवांग पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी थी, लेकिन ये इलाका मैकमेहन लाइन के अंदर आता है और इस वजह से चीन का उस पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया। लेकिन अब चीन मैकमेहन लाइन को ही नहीं मान रहा और तवांग सेक्टर को तिब्बत का हिस्सा बताकर हथियाने की कोशिश में है। चीन से बचकर और तिब्बत से भागकर दलाई लामा सबसे पहले तवांग ही पहुंचे थे, जिसके बाद चीन का खून खौल उठा, क्योंकि वो दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है और उसे डर है कि तवांग में दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि तवांग को बौद्ध धर्म का केंद्र भी कहा जाता है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जिसे चीन तबाह करना चाहता है और तवांग पर कब्जा करके तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, और इसीलिए चीन के सैनिकों ने तवांग की यांगसे चोटी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। पिछले साल नवंबर में भी वहां भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आई थी, और एक बार फिर तवांग की इसी चोटी पर झड़प हुई, जहां चीन को फिर से शिकस्त झेलनी पड़ी। यांगसे चोटी तवांग के उत्तरी इलाके में है और मार्च के महीने तक बर्फ से ढकी रहती है। ये जगह भारतीय सेना के लिए बहुत अहम है और सूत्र बताते हैं कि इस इलाके में भारत के 3,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि चीन तवांग की इस चोटी पर चढ़ने की चाल चलता रहता है, क्योंकि यहां से वो पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है और एलएसी की जासूसी कर सकता है। भारत के तवांग सेक्टर की अहमियत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि तवांग के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुस सकते हैं। ये कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। उधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प में चीन के सैनिक खतरनाक हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है कि एलएसी के नजदीक ये झड़प अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन के सैनिक